तो हाँ दोस्तों, मेरे पास एक कुरियर आया है। आप देख सकते हैं कुरियर, इसमें मेरे पास में तीन फ़ोन आए हैं। एक फ़ोन मेरे पास अभी जो मैं आपको सामने वीडियो में बनाऊंगा वो आईफोन 6, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नैंड एरर। तो इसको बनाएंगे, देखेंगे क्या फॉल्ट है इसका। इस वीडियो में बने रहें। एक फ़ोन हमने ये बना दिया है इनका, और ये है वीवो का X21। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें फॉल्ट ये था, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये डेड आया था, ये फ़ोन डेड आया था, और HDR रिप्लेस करने के कारण ये डेड हो गया था। और ये हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये फ़ोन हमारा, ये हमने चालू कर दिया है। तो ये एक हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। और एक और फ़ोन आया था वीवो का, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो एक और फ़ोन आया था, कि क्योंकि अभी मैंने फ़िलहाल इससे पहले ही बनाया है। ये इसके कैमरे हैं, ये मैं इसमें चिपका देता हूँ, कहीं कैमरे अलग ना हो जाए। हम इसको बाद में फिक्स करके सेंड कर देंगे, या जो जिनके फ़ोन है वो खुद कर लेंगे। तो ये एक फ़ोन हमने अभी जो रेडी किया है, और इसके अलावा एक फ़ोन ये आया था दोस्तों, ये फॉल्ट था बैटरी एरर। पर जो बैटरी एरर था इसमें, मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड था इसमें हमने जो भी हमारे बैटरी एरर के जो जो हम काम करते थे सब किया। इसका जो बोर्ड है वो हल्का सा फूला हुआ है, तो ये बोर्ड स्वैप होगा, तो ये हमने बता दिया है। ये फूला हुआ बोर्ड था ऑलरेडी, ये बहुत ज़्यादा हीट देकर ये बोर्ड आया हुआ था। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ दिख रहा है ये। तो इस बोर्ड में तो पावर काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये बैटरी का एरर है और ये बोर्ड हल्का सा फूला हुआ है। तो इसका फॉल्ट ये, इसका सलूशन ये है कि ये नॉर्मल रिप्लेस होगा, बोर्ड रिप्लेस होगा, जिसको हम स्वैपिंग बोलते हैं। हमने बोल दिया है जिनका है कि आप हमें बोर्ड भेज दें, हम इसको CPU मेमोरी इसको निकाल के लगा देंगे। क्योंकि जिस भी टेक्नीशियन ने किया होगा उसमें हीट डल लगा दी और ये बोर्ड फूल गया है। तो इसके अलावा ये हमारे पास में तीन पार्सल आए हैं, जिसमें से एक हमने बना दिया है, एक बोर्ड का ही फॉल्ट है और हमारे पास अभी बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम बना देते। अब चलते हैं, देखते हैं आईफोन बनाने के लिए। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवत नगरवाल और आप देख रहे हैं ये चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो पहले समझ लो कि आपको ये सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि सब्सक्राइब क्यों करना है। क्योंकि हमारे जो इस चैनल पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो मिलेंगे, आपको इसमें आईफोन या फिर एंड्रॉयड रिपेयरिंग के वीडियो मिलेंगे, आपको हमारे जो इंस्टीट्यूट चलता है, अगर आप जानते हैं ईसा टेलीकॉम हमारा जो प्रोफेशनल चैनल है, और या तो आप हमारे फेसबुक में आप हमें देखते होंगे, हम डेली लाइव आते हैं। एकमात्र इंस्टीट्यूट तो खैर बहुत सारे हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि हम डेली हर क्लास को लाइव दिखाते हैं। तो आप फेसबुक में जाके ईसा टेलीकॉम सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप हमारी फील्ड से हैं, आप ये इंटरेस्टेड हैं, आप फील्ड को सीखना चाहते हैं, तो हमारे को आप वॉच कीजिए, हमें देखिए, हमें पढ़िए, उसके बाद में हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारे वीडियो पहले डले हुए हैं, वो वीडियो भी देखिए, हमारे लाइव सेक्शन देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डली होती हैं। तो चैनल को इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं, ये केस स्टडी। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये नैंड एरर बता रहे हैं, तो हम इसको DFU मोड पे ले जाए। पहले देखते हैं कि कौन से मोड पे डायरेक्ट जा रहा है। तो ये मैंने कंप्यूटर के साथ जोड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी मेरे को कंप्यूटर के साथ जोड़ने पर अभी यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि समटाइम अगर ये ऑटो DFU मोड में जा रहा है तो ये फॉल्ट हो सकता है अलग, ठीक है। तो अभी मैं इसको DFU मोड पे ले जाता हूँ। मेरे पास में DFU मोड वाली एक केबल है दोस्तों, ये देखिए, इस केबल पे मैंने इसको पूरा वीडियो बनाया है। आप देखना है तो आप वीडियो की लिस्ट में जाना पड़ेगा आपको,
तो हम जैसे ही इसको इसमें लगाते हैं, और अभी मैंने खोला भी नहीं, हो सकता बैटरी ना लगी हो, तो ठीक है अभी तो कुछ भी किसी भी तरह का यहाँ पर हमें आवाज़ नहीं आई है। ठीक है, अब हम इसको एक बार खोल लेते हैं और खोल कर आपको दिखाते हैं। ठीक है, बैटरी नहीं लगी थी दोस्तों, बैटरी आप देख सकते हैं पीसीबी की हालत, पीसीबी पे बहुत काम हुआ है, नीचे का पूरा आपका स्क्रीन निकला हुआ है। फिलहाल जो बैटरी है वो डुप्लीकेट लगी हुई है, और ये मैं कह सकता हूँ कि एक वाटर डैमेज सेट होगा। जो देखिए बैटरी निकली हुई थी, हमने इसको DFU मोड पे डाला है केबल लगाकर, ये एक रीस्टार्ट मोड पे गया है। हम देखेंगे कि हमारा ये DFU मोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि जब तक अगर हमारे DFU मोड नहीं लेगा हम इसको फ्लैश नहीं कर पाएंगे। NAND एरर है, पर एक बार हम भी चेक करेंगे कि NAND का वाकई में एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो इसकी बैटरी है वो काफ़ी डिस्चार्ज हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसमें DC केबल लगाएंगे। और DC केबल लगा के हम देखेंगे कि हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, या जो हमारा अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है केबल। चलिए इसको डायग्नोस करते हैं। कस्टमर तो ये कहते हैं कि NAND का इशू है, आप देखिए इसको एक बार डायग्नोस करते हैं हम लोग। देखिए YouTube पे काम हुआ है यहाँ पर, YouTube यहाँ पर चेंज की गई है।
पेस्ट पूरा निकला हुआ है और यहाँ पर आपको यूवी ग्लू दिख रहा होगा, आई थिंक यहाँ पर पेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। निकाल से इसके नेटवर्क सेक्शन में काम हुआ है, आप देख सकते हैं, देखिए पूरा हैवी पेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए हम डायग्नोस कर रहे हैं डैड सेट, और जो कि बताया गया है नैंड का एरर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल ट्रेनिंग अच्छा काम कर लेते हैं और अगर आपको फॉल्ट फाइंडिंग अच्छे से आती है तो आप किसी प्रकार के सेट को आप फॉल्ट ढूंढ लेंगे, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि ज़्यादातर जो दूसरे तरफ से आते हैं मामले कि ये है वो है, पर वो ऐसे मामले वो रहते ही नहीं है, कुछ और रहता है। तो इसलिए सबसे पहले ना हमेशा अपनी आंखों से डायग्नोस करो। तो देखिए इसमें हम डायग्नोस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर ये जो नया आपकी U2 लगी हुई है, इस U2 पर आप देखिए तो आपको यूवी ग्लू मिलेगा और काम किया हुआ मिलेगा। तभी इस U2 पर अगर मैं कंपोनेंट टेस्टिंग करूँ यहाँ पर, तो मुझे देखिए एक कैपेसिटर मुझे एक शॉर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वो ये कैपेसिटर भी लाइन हो सकती है, वो इस U2 की लाइन हो सकती है, तो वो बहुत सारी लाइन हो सकती है। तो जनरली वो कौन सी लाइन हो सकती है उसको समझने के लिए एक बार हम लैपटॉप में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अभी वोजिंग खोला हुआ है और ये जो कैपेसिटर की लाइन है ये है 3 वोल्टेज की लाइन है जो शॉर्ट हो चुकी है, और ये जनरली ये U2 में भी जा रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर ये मेन पावर में भी जा रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है, आप देखेंगे तो। और ये यहाँ पर U2, फिर ये कैपेसिटर, ये एक पावर के पास में ये कैपेसिटर, ये भी शॉर्ट हो सकता है। ये कैपेसिटर तो होएगा ही, ये कॉइल शॉर्ट होगी नहीं, तो कॉइल की वजह से कॉइल से पहले हालांकि यहाँ पर ये IC आपको दिख रही है, ये IC भी आपको शॉर्ट दिखाई देगी। और उसके बाद ये रजिस्टर आपको यहाँ पर शॉर्ट दिखाई देगा, और अगर कॉइल की उस साइड से देखूँ तो ये कैपेसिटर आपको शॉर्ट दिखाई देगा। तो जनरली कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, हम डायरेक्ट यूट्यूब ही नहीं निकाल सकते, तो हम वही मैटर यूज़ करते हैं जो सब लोग यूज़ करते हैं, तो देखते हैं वो मेथड काम आती है कि नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी IC शॉर्ट है वो असल में हमारा U2 ही है। तो यहाँ पर जो रीडिंग भी ले रहा था दोस्तों वो U2 की ही रीडिंग है। खैर ये मैं आपको अगर आप क्लास आएंगे तो अलग से समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसको U2 की रीडिंग मानते हैं। अब चलिए PCB को स्टैंड पे लगाते हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर आप जो वीडियो देखते हैं, यहाँ पर हम लाइव जो हैंडसेट आपके सामने बनाते हैं, ये एक प्रैक्टिकल रिव्यू है। ये आपके
ये आपको बताने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है और सेट डायग्नोस करके बनाए जाते हैं। आईफोन में ज़्यादातर लोग इतना डायग्नोस करते नहीं हैं। आईफोन में लोग ज़्यादातर सिर्फ सीपीयू रिबॉलिंग ही और या आईसी रिबॉलिंग सीख लेते हैं और फिर स्वैपिंग करना काम करते हैं, जो कि उनको महंगा पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आप स्वैपिंग का बोर्ड लेते हैं और स्वैपिंग के बोर्ड के साथ फिर आप कस्टमर से बार्गेनिंग करते हैं और फिर कस्टमर जनरली इतने पैसे देता भी नहीं है। तो कोशिश करें कि डायग्नोस करें और डायग्नोसिंग सीखें एक प्रॉपर तरीके से कि कैसे करना है डेड फ़ोन की, और हम आपको यकीन दिलाते हैं, गारंटी देते हैं, डायग्नोस में हम आपको इतना अच्छा कर देंगे कि आपके पास कोई भी डेड फ़ोन आया तो आप उसको ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये आपका जो डेड है ये पावर एसी से है, डीसी टू डीसी आईसी से है, किसी शॉर्टिंग से वजह से है, एमएमसी की वजह से है या फिर आपका सीपीयू की वजह से है। तो ये आपको पता चलता है इसमें डायग्नोस करने के बाद में कैसे किधर किसकी वजह से है, कोई आईसी कहीं उल्टी तो नहीं लगी है, कोई कॉम्पोनेंट कहीं मिसिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डायग्नोसिंग करने के बाद ही पता चलती है, जो कि एसर टेलीकॉम के स्टूडेंट आप देखते होंगे लाइव। अगर आप नहीं देखते हैं तो फेसबुक पर जाइए और एसर टेलीकॉम सर्च कीजिए और डेली लाइव वीडियो देखिए दोस्तों, जो लाइव बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइव करते हैं, हम तो डेली लाइव आते हैं, हम तो हर प्रैक्टिकल स्टूडेंट के मोबाइल में ही करते हैं। यहाँ हम घर से कोई मोबाइल लेकर नहीं आते कि उसमें हम आपको बता रहे हैं और बस उसके बाद में ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पर डेली लाइव ही होता है हर आईसीओ के जीआर, हर आईसीओ के वोल्टेज। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खैर इस वीडियो में कि अगर आप आईफोन पर काम करना चाहते हैं और साथ में एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं, या फिर आप एंड्रॉयड का काम करना चाहते हैं और साथ में आईफोन सीखना चाहते हैं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो लड़के एक बार में सब कुछ करना चाहते हैं, आप भी अपना थोड़ा दिमाग रखिए। आप लोग इतने पैसे लगाते हैं तो एक बार में आप करके है ना कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप एंड्रॉयड पहले कम्प्लीटली सीखिए, उसके बाद में आईफोन सीखिए, एंड्रॉयड की प्रैक्टिस कीजिए 4-5 महीने, उसके बाद आईफोन सीखिए, क्योंकि आपको एंड्रॉयड में इतना सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो देखो आईसी और रिबॉल निकालना लगाना सब में एक जैसा है, कुछ अलग नहीं है। और रहा क्योंकि दोनों में आप सीखेंगे ना तो कचरा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज रहोगे ज़िंदगी भर। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा दूर रहो जो दोनों एक साथ सिखाते हैं, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का कोर्स बहुत अलग है और दोनों पर लाइनिंग और सारी चीज़ें समझना बहुत अलग है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ समझ लूँ और मैं 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका एक्सपीरियंस सिर्फ कनेक्टर लगाना है और चार्जिंग डिस्प्ले ये सब चेंज करने का है आपका बोर्ड पे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आईसी रिबॉल कर दी होगी, पर प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम से वो एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। तो बाद में है ना कहीं बच्चों को महसूस होता है कि उसने गलत किया। तो ये एक हमारी राय है, ये बिल्कुल मानिए कि आप अगर कोर्स कर रहे हैं हमारे पास आइए और ज्वाइन कीजिए सर टेलीकॉम। हम कभी भी दोनों कोर्स एक साथ नहीं कराते, हम भी चाहें तो 5 दिन में ये 5 दिन में ये करा के कोर्स करा सकते हैं, पर हम जानते हैं कोर्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइए सबसे पहले एंड्रॉयड कीजिए, उसके बाद में आके आईफोन क्लास ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर माइक्रो जम्पर कर लिया है
हम आईसी बिठाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइक्रो दो जम्पर। अब हम यहाँ पे आईसी बिठा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एसर टेलीकॉम में कॉल कीजिए और एडमिशन बुकिंग कीजिए। अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो दो तीन बार कॉल कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जनरली कॉल बिजी जाते हैं क्योंकि हमारे सीट लिमिटेड होते हैं। और दोस्तों अभी बता रहा हूँ कि अगले महीने एक अच्छा ऑफर चल रहा है, उसका फ़ायदा उठा लीजिए। ऑफ़र क्या है वो आपको कॉल करने पर पता चलेगा। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कोर्स में आपको जो रहना और खाना रहता है आईफोन ट्रेनिंग की कोर्स में, वो आपको अलग होगा और बहुत ही मिनिमम चार्जेस में रहना खाना आपको यहाँ पर लगेगा। और उसके अलावा ये 6 दिन का एक कोर्सेस होगा दोस्तों, जिसमें हम एक आपको लाइव बोर्ड भी देंगे अपने आपकी ट्रेनिंग के लिए। जैसे आईफोन 6 का एक देंगे, आईफोन 7 का एक देंगे और उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फ़ोन को डिस्प्ले लगा दिया है, अब इसको हम ऑन करते हैं। और यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको फ़ोन दिखा देता हूँ, पहले पीसीबी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही पीसीबी है जिस पर भी हमने काम किया है, जिस पर आप देखे होंगे माइक्रो जम्पर। हमने यहाँ से दिखा देते हैं, देखिए तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये माइक्रो जम्पर लगे हुए हैं जो हमने लगाए थे, ठीक है। तो ये सेम पीसीबी। और अब फाइनली एक बार हम चालू करके देखते हैं। तो देखिए हमारा फ़ोन यहाँ पे चालू हो गया है। और जैसे कि पहले हमने बताया था कि लोगों पर जा रहा था आ रहा था, और अब हम देखते हैं कि अगर हमारा फ़ोन लोगों पे जाता है या आता नहीं है। देखो अभी भी स्टिल है। दोस्तों आपको अगर एंड्रॉयड का रिपेयरिंग सीखने हैं तो आप इसे टेलीकॉम को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव काम करके यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। तो वही एक्सपीरियंस हम आपको देंगे। देखिए हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल 100% चालू हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको पहले फ्लैश किया होगा, नैंड एरर है ऑब्वियस है, पहले फ्लैश करने की कोशिश की होगी। तो जो भी मैटर इसमें गया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है। सामने वाले ने नैंड का एरर दिया, अब वो क्या लिखा है क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता, पर इसमें मैंने सॉर्टिंग निकाली और सॉर्टिंग निकाल के इसमें मैंने यूट्यूब को देखा, और यूट्यूब में आपने देखा कि पैड निकले हुए थे, तो यूट्यूब में हमने माइक्रो जम्परिंग की और माइक्रो जम्परिंग करके हमने फिर सेट को बनाया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को आपकी मर्जी है कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। ये सारी चीज की ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताओ? हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाया, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने।
डुअल सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर डुअल सीपीयू। डुअल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया। सर ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों थैंक यू।